मैं रेणुका वर्कर एंड हेल्पर यूनियन कठुआ से। आज हमने ये जो छोटी सी प्रेस वार्ता रखी हुई है, ये सबको पता है कि हम पिछले 4 से 6 महीनों में स्ट्राइक पे थे अपनी डिमांड को लेके। इसी के चलते हमें एक तरफ से थोड़ी खुशी भी हुई कि हमारे प्राइम मिनिस्टर तक हमारी आवाज़ पहुंची और उन्होंने कुछ दिन पहले हमसे ऑनलाइन बात भी की है और उस पे उन्होंने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की जो है, जो वो कार्य करती है, उसकी सराहना की है। उन्होंने ये भी कहा है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बहुत काम करती हैं, इन्हीं की वजह से मृत्यु दर जो है वो भी कम हुई है, और भी उन्होंने जो उपलब्धियां हैं वो बताई हैं। और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि हम जो है स्टेट नहीं सेंटर की तरफ से इनको ये दिवाली का जो तोहफा दिया उन्होंने हमें, हमारी जो सैलरी है वो 3000 थी पहले, अब उन्होंने 1500 इसमें बढ़ोतरी की है और हम उनका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने, चलो ये हम लोग सेटिस्फाई नहीं है क्योंकि 3000 से 4500 उन्होंने किया, 4500 भी से भी हमारा घर नहीं चलता है, ये भी बहुत, लेकिन फिर भी हम लोग खुश हैं इस बात से कि उन्होंने फिर भी कुछ ना कुछ किया। लेकिन हम लोग अपनी स्टेट से बहुत निराश हैं क्योंकि हमारी स्टेट जो है इन्होंने हमारा कुछ भी नहीं किया है। इन्होंने जाते जाते हमें अनन बोरा से बहुत उम्मीदें थी, लेकिन उन्होंने जाते जाते हमें 500 रुपया दिया। ये जो 500 रुपया दिया ये 3 साल पहले हमें मिला था, ये उन्होंने वही 500 रुपया हमें दिया, तब इन्होंने बर्बली बोला था, अब इन्होंने रिटर्न में दे दिया हमें। इससे हम लोग खुश नहीं है, हमें उनसे बहुत उम्मीद थी क्योंकि ये कार्यकर्ता जो है आंगनवाड़ी वर्कर एंड हेल्पर बहुत काम करती हैं, दर्जनों डिपार्टमेंट इनके ऊपर थोपे जाते हैं, बहुत सारा कार्य करने के लिए इनको दिया जाता है, लेकिन सैलरी के तौर पे अगर बोला जाए तो इनको मानदेय जो इनका है जो है बहुत कम है। अब इन्होंने बढ़ाया 500 रुपया, इनको कोई पूछे कि क्या 1100 रुपये से घर चलता है, 1100 रुपये से बिल्कुल भी घर नहीं चलता है। हम बिल्कुल निराश हैं इस बात से कि इन्होंने 500 रुपये बढ़ाया है। अब जो नए गवर्नर सर हमारे आए हैं, हमें उनसे पूरी पूरी उम्मीद है, उनको मेमोरेंडम दिया हुआ है, बीजेपी लीडर से हम लोग मिले हैं, उन्होंने भी कहा है कि आपका मानदेय जो है वो बढ़ना चाहिए, आप बहुत काम करते हो, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं गवर्नर सर से आपकी बात करवाने की, आपका मुद्दा जल्द से जल्द हल हो। तो हम भी यही चाहते हैं कि हमारा जो मुद्दा है जल्द से जल्द हल हो, हमें दोबारा से सड़कों पे उतरने की जो है नौबत ना आए। हमारी ये जो नए गवर्नर सर है, इन्होंने एक दो इंटरव्यू में लिखा है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता मेरे घर कैसी है, मैं इनके लिए जरूर कुछ ना कुछ करूंगा। तो हमारी उनसे अपील है, हाथ जोड़ के अपील है कि प्लीज आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए सोचिए, उनका मानदेय बहुत कम है। बाकी स्टेटें जो है उनकी तरस पे हम मांग रहे हैं, बाकी स्टेटों में देखो कोई 10 दे रही है, कोई 13 दे रही है, 15 भी दे रही है, और हमारी जो स्टेट है बहुत कम दे रही है। इसलिए उनसे रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द हमारी जो फाइल आप तक पहुंची है उनको पढ़े और हमें जो है हमारा मानदेय बढ़ाया जाए। बाकी एक बात है, उधमपुर में लड़कियों को टर्मिनेट किया है, उनको 3 महीने के लिए सस्पेंड किया हुआ है, उसके बाद उनको बोला गया है कि आपको टर्मिनेट लेटर दिए जाएंगे। इसके हम विरोध करते हैं क्योंकि अपने हक के लिए लड़ना ये कोई गलत बात नहीं है, ये हमारी इंडिया है, यहाँ लोकतंत्र है, यहाँ हर कोई अपनी डिमांड, अपना जो समस्या है उसका हल चाहता है। और उन लड़कियों ने भी स्ट्राइक की हुई है, वो भी बैठी हुई थी, इस दौरान उन्होंने उनको टर्मिनेट किया है। तो हम अपने डिपार्टमेंट से ये अपील करते हैं कि जल्द से जल्द उनको बहाल किया जाए और हमें सड़कों पे ना उतारा जाए, कि हम उनकी सुरक्षा के लिए सड़कों पे उतरे। तो प्लीज हमारी जो डिमांड है वो जल्द से जल्द फुलफिल की जाए। थैंक यू।